कोरोना की वजह से आने वाले दिनों में दुनिया पे सबसे बड़ा संकट एक आर्थिक संकट होगा। आज के अमीर कहलाने वाले देश एक झटके में गरीब हो सकते हैं। दुनिया में बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव होना तो निश्चित है। पिछले 3 दशकों से चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के वजह से खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है। जिस तेजी से चीन की ग्रोथ हुई है उतनी शायद ही किसी देश की हुई होगी। लेकिन 2020 में फैले कोरोना वायरस की वजह से चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का व्यापार रुक गया है। साथ ही में चीन से निकले इस वायरस की वजह से अमेरिका और चीन में कई हद तक एक राजनीतिक तनाव भी देखने को मिल रहा है। चीन की इस तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को रोक लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही फ्रंट फुट पे नजर आए हैं। उन्होंने एक बार ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से चीन को काफी नुकसान देखने को मिला। जाहिर है कि कोरोना खत्म होने के बाद दुनिया के आर्थिक इक्वेशन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ नए आर्थिक महाशक्ति का जन्म होना निश्चित है, पर कौन से देश में इतनी बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करने का पोटेंशियल है, यह जानने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि क्या था चीनी मॉडल, क्यों चीन एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनकर खड़ा हुआ। 1979 तक चीन एक प्योर कम्युनिस्ट सिद्धांतों पर चलने वाला देश था, पर देश की इकोनॉमिक हालत ठीक करने के लिए चीन का मार्केट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खुला कर दिया गया। जैसे ही चीन ने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट किया, तब चीन में मौजूद बहुत बड़ी मात्रा में लेबर फोर्स, साथ में लो टैक्सेशन, चाइल्ड लेबर और मिनिमम वेज जैसे कानून का ना होना फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करता गया। इससे काफ़ी लो कॉस्ट में बड़ी मात्रा में चीन में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई। इससे चीन को बहुत बड़ा फायदा हुआ। 800 मिलियन चीनी लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। एक चीनी लेबर की एवरेज इनकम 1990 में $150 थी, वही 2005 में $2800 हुई और 2015 में $8900 तक चली गई। चीप लेबर की वजह से बड़ी हुई इस इंडस्ट्री में अब लेबर चीप नहीं रहा और चीन के मैन्युफैक्चरिंग पर उसका उतना बड़ा असर नहीं हुआ, क्योंकि चीप लेबर के अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे जिससे चीन इंडस्ट्री ग्रो करते गई। चीन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अच्छी तरह से इकोसिस्टम मौजूद है। एक ही प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और ये सारा इकोसिस्टम चीन ने पिछले 30 साल में डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल, शेंजन शहर हांगकॉन्ग की सीमा से लग के और वह पूरा एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का इकोसिस्टम है। एप्पल जैसी कंपनी सारे माइक्रो कंपोनेंट चीन से खरीद के अमेरिका में असेंबल करती है। इकोसिस्टम के साथ साथ चीन में मौजूद कुछ कॉम्प्लायंसेस के वजह से बड़े मैन्युफैक्चरर चीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि पश्चिमी देशों में मौजूद फैक्ट्री के लिए कुछ बाल मजूरी, हेल्थ केयर, सेफ्टी, मिनिमम वेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जैसे कई सारे कानून चीन में नहीं थे। हालांकि ये कायदे बाद में चीन में लागू किए गए, पर तब तक चीन में इकोसिस्टम बन चुका था। और अगर हम टैक्सेस की बात करें तो चीन ने पहले से ही टैक्सेस को इन्वेस्टर के लिए कम रखा था। 1985 में हुई टैक्स रिबेट पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट आइटम पर लगने वाले डबल टैक्स को कम करके 0% कर दिया गया। साथ ही में इंपोर्ट गुड्स पे लगने वाले टैक्स को भी कम कर दिया गया। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई और एक्सपोर्टेड चीजें बहुत कम दाम में बिकने लग गई। इसके साथ साथ चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता रहा है। डॉलर के मुकाबले चीन पर अपनी करेंसी युआन को अंडर वैल्यू करने के लिए कई बार आरोप लगे। पर फिलहाल में अगर वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो देखा जाए तो लगता है कि चीन के इस तेजी से बढ़ती इकोनॉमी पर रोक लगने के चांसेस है। पर अगर चीन को रोका गया तो दुनिया में दूसरा चीन खड़ा करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे 5 देश हैं जो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस की तरह सामने आ सकते हैं। 5वें नंबर पर नाम आता है भारत का। भारत एक डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी है। नॉमिनल GDP की बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत का नंबर 139 लगता है। दरअसल देखा जाए तो भारत और चीन की पॉपुलेशन लगभग सेम है। भारत की एवरेज एज देखें तो 30 साल है, और जहां चीन की एवरेज 40 साल है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट चीन के मुकाबले आधी है। भारत में एग्रीकल्चर 14%, इंडस्ट्रियल 23% और सर्विस सेक्टर 61% है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलफोन मैन्युफैक्चरर है।
पर, लेकिन भारत सेलफोन के 75% पार्ट चीन से खरीद के भारत में असेंबल करता है। इसी से यह बात साफ होती कि भारत में सप्लाई चेन इकोसिस्टम की कमी है। साथ ही में भारत में एक बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग करने की पोटेंशियल होने के बावजूद बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के वजह से कई इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। अप्रैल 2018 से अगस्त 2019 के बीच चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के चलते 56 बड़ी कंपनीज चीन के बाहर रिलोकेट हो गई। उनमें से सिर्फ 3 कंपनीज भारत में आई, बाकी वियतनाम, ताइवान और थाईलैंड में चली गई। भारत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिव वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत कर लेता है तो भारत को आने वाले दिनों में काफ़ी फायदा होगा। भारत के बाद हम अगला नाम ले सकते हैं इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही में बड़ी मात्रा में लेबर भी अवेलेबल है। इंडोनेशिया में लेबर कॉस्ट चीन के लेबर कॉस्ट से आधी है। जीडीपी की बात करें तो इंडोनेशिया दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और पर कैपिटा की बात करें तो 109वें पायदान पे है। इंडोनेशिया की एवरेज एज 31 साल, जो चीन के मुकाबले कई यंग है। 20 साल पहले इंडोनेशिया के जीडीपी का 53% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता था, पर एशिया के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसको भारी नुकसान हुआ। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का वादा किया, लेकिन इसके बावजूद इंडोनेशिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा, जैसे कि इंडोनेशिया का कॉरपोरेट टैक्स रेट 25% है, जो उसके कंपिटिटर देशों से कई ज़्यादा है, लेकिन इंडोनेशियन सरकार ने भी उसको 20% तक करने का निर्धार किया है। दूसरे नंबर की बात की जाए तो मेक्सिको का नाम आता है। मेक्सिको को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी कहा जाता है। 90% से ज़्यादा मेक्सिकन ट्रेड 1994 में हुए नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत होता है। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य मेक्सिको, कनाडा और यूएसए के आर्थिक संबंधों को सुधारना था। उसके जैसा ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेक्सिको ने दुनिया भर के 40 देशों के साथ किया है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। 2016 की फोर्ब्स ग्लोबल वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज के लिस्ट में मेक्सिको की 15 कंपनियां शामिल थी। मेक्सिको में 60 मिलियन की वर्कफोर्स शामिल है। मेक्सिको की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पिछले कुछ दशकों से काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और पूरे दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक्सपोर्ट करने में मेक्सिको 6ठा देश है। अगर बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो मेक्सिको की लैंड कॉस्ट सबसे कम है। अगर चीन से मार्केट कहीं और जाता है तो मेक्सिको एक बढ़िया जगह हो सकती है। इस लिस्ट में टॉप पे नाम आता है वियतनाम का। यूएस चीन ट्रेड वॉर के वजह से वियतनाम के एक्सपोर्ट्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है। 2019 के अंत तक वियतनाम का एक्सपोर्ट 28.8% तक बढ़ा है। इससे यूएसए वियतनामी गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर बनता है। बड़े मैन्युफैक्चरर जैसे फॉक्सपोन, सैमसंग, एलजी, नाइकी, एडिडास और लवसैक जैसे और भी कई सारी कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस वियतनाम में शिफ्ट किए। वियतनाम में यूएसए से जितना इंपोर्ट किया जाता था उससे $47 बिलियन ज़्यादा एक्सपोर्ट 2019 में हुआ। किसी भी इन्वेस्टर को किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट करते वक्त ये बात इम्पॉर्टेंट होती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उस देश में इकोसिस्टम का होना। मतलब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स की ज़रूरत है तो उस कंट्री में सप्लायर्स की डाइवर्सिटी बहुत बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। पर जब बात आती है वियतनाम की तो वियतनाम में चीन जैसे बहुत बड़ी मात्रा में सप्लायर्स डाइवर्स नहीं है, पर हाल ही में वियतनाम में भी सप्लायर्स डाइवर्सिटी बूस्ट हो रही है और वियतनाम अपने बाकी प्रतिस्पर्धियों से इस बात में वाकई में आगे है। अगर लेबर कॉस्ट की बात की जाए तो लेबर कॉस्ट वियतनाम में चीन से आधी है, पर जितनी क्वांटिटी में लेबर चीन में अवेलेबल है उतनी वियतनाम में नहीं है। लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो वियतनाम का परफॉर्मेंस अपने बाकी प्रतिस्पर्धियों से काफ़ी अच्छा है। 2018 में हुए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस सर्वे में वियतनाम पूरी दुनिया में 39वें नंबर पर था, जहाँ कि भारत 44 और इंडोनेशिया 46 नंबर पे था। इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी वियतनाम अपने बाकी प्रतिस्पर्धियों से आगे है। इसीलिए चीन से रिलोकेट होने वाली कंपनियों को वियतनाम अपना अगला डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है, पर यह प्रोसेस चल ही रही है।
तो देखना ये होगा कि कौन होगा आने वाले समय का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर।